हम लोग का ये जो है अब नेक्स्ट सेशन पे हम आ गए हैं। हमारा आज का जो लेक्चर का टॉपिक है वो है सोशल चेंज। तो सोशल चेंज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमने अगेन इसी कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है और आपके कोर्स का जो हिस्सा है इस हवाले से है कि इसमें हमें ये पता चलता है कि इंसानों ने किस तरह जो है वो तब्दीली या एक स्टेज से दूसरी तरफ कैसे आया और उसके पीछे क्या क्या वजूहात थी। इन वजूहात को अगर आप या इन फैक्टर्स को अगर आप उन सोर्सेज को अगर आप गौर से देखें तो उसमें से उनके पीछे हर एक के पीछे आपको एक कहानी नज़र आएगी, हर एक के पीछे आपको एक स्टोरी मिलेगी, हर एक के पीछे आपको एक इन्वेस्टिगेशन मिलेगी आप कर सकते हैं, हर एक के पीछे आप एक आर्टिकल्स जो हैं वो बना सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, हर एक के पीछे जो है ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको अंडरस्टैंड करा सकती है कि किसी भी मुल्क के अंदर जो सोशल चेंज आया है वो उसके पीछे कितने लोगों की कहानी है, कितने लोगों की मेहनत उसमें शामिल है, आपको ये नज़र आएगा। तो हम जो है यहाँ पर ये कर रहे हैं कि पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि सोशल चेंज जो है वो उसके कॉजेज़ वगैरह को हम आगे देखेंगे। अच्छा, सोशल चेंज जो है किसको कहते हैं? सोशल चेंज कहते हैं जब एक ख़ास पीरियड में सोसाइटी में जो मॉडिफिकेशन हो या अल्टरेशन हो तो उसको सोशल चेंज कहते हैं। सोशल चेंज का मतलब है सामाजिक तगैयर, ठीक है। सामाजिक तगैयर का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे एक होती है तब्दीली, ठीक है, आप लेमन अप्रोच में तो उसको आप तब्दीली कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम जब इसको कहते हैं तो हम तब्दीली का मतलब होता है शॉर्ट टर्म है, अभी आई है भाई, ये तो तब्दीली आ गया, आपने तो जो है शलवार कमीज छोड़ के पेंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया, ये तो सूरज कहाँ से निकल गया आज, तो ये जो आप कह रहे हैं ये चेंज है। लेकिन जब आप ये बात करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चेंज नज़र आता है और अच्छे खासे लोगों में नज़र आए वो चीज़, तो आप कहते हैं ये सोशल चेंज है। जैसे बिहेवियर में चेंज है, रिलेशनशिप में चेंज है, आप देखें हुकूमत का और पब्लिक का पूरी दुनिया में जो रिलेशनशिप पहले था वो ये था कि हुकूमतें जब कुछ कहती थी, आप 100 सालों की बात कर लें, ये हुकूमतें जो कहती थी वो फिर पत्थर पर लकीर होता था, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि लोग आगे आकर अपने राइट्स के लिए बात करें, हुकूमत को ये कह सके कि यू आर रॉन्ग एंड वी हैव राइट्स, सो वी हैव राइट्स एंड आवर राइट्स शुड बी गिवन, और हाँ हमारे राइट्स को जो है वो दिया जाए, हम ये हमारा हक है। लेकिन ये आपको नज़र नहीं आया। लेकिन आज आप दुनिया में देखें तो हुकूमतें जो आपको नज़र आ रही हैं वो किस किस्म की नज़र आ रही हैं? आपको जो नज़र आ रही है हुकूमतें वो आपको डिफरेंट किस्म की नज़र आ रही हैं। हुकूमतें जो हैं वो खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनको पता है, उन हुकूमतों को, कि अब हमने अगर अपने सिटीजन्स का कहा नहीं माना या हमने अपने सिटीजन्स को सपोर्ट नहीं किया तो हमें जो है नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में जमहूरियत आ गई है। तो ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नज़र आता है, जिसकी वजह से जो है वो रिलेशनशिप नज़र आ रही है आपको चेंज होती हुई। तो सोशल चेंज आपको बड़े पैमाने पर नज़र आ रहा है। फिर माँ बाप का रवैया बच्चों के साथ आप देखें 100 साल पहले कैसा था, पिछले आपके माँ बाप का आपके साथ कैसा था, और आपका अपने बच्चों के साथ जो है वो रवैया कैसा है या कैसा होगा। तो दोनों सूरतों में जो है वो आप देखें कि आपको स्ट्रक्चर चेंज नज़र आता है, रोल्स चेंज नज़र आते हैं, अब दुनिया में जो है वो डिफरेंट आस्पेक्ट चेंज नज़र आते हैं। इसके अंदर फर्दर हम करेंगे तो हम बताएंगे कि इसमें इंस्टीट्यूशन का भी चेंज है, सोशल बिहेवियर का भी चेंज है, सोशल रिलेशंस का भी चेंज है। तो सोसाइटी में जितने भी आस्पेक्ट्स हैं उन सब के चेंज की बात करते हैं। फिर इसमें एक और आस्पेक्ट कह रहे हैं कि हमारी जो बिलीव्स हैं, हमारे जो अकायद हैं, उसमें भी तब्दीली आती है, हमने जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी तब्दीली आती है। तो जब हम फैक्टर्स करेंगे तो इसके अंदर ये सारे फैक्टर्स जो हैं इसमें जो लिखे हुए हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट, एथनोसेंट्रिज्म, सेंट्रल कल्चरल लैग, ये सारी कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके अंदर हमने शामिल किए हैं। तो हम पहले जो है करेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी का ये आस्पेक्ट है कि चेंज की करेक्टरिस्टिक में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको फोकस क्या करना है। आपने जो फोकस करना है जब आप कोई चीज़ करते हैं तो देखते हैं कि ये जो सोशल चेंज आया है ये डायरेक्शन क्या है इसकी, या ये किस तरफ जा रहा है।
क्योंकि सोशल मूवमेंट इसी हिसाब से स्टार्ट होती है, अगर सोशल चेंज पॉजिटिव वे की तरफ जाएगा जितना सोशल मूवमेंट्स नहीं आएंगे, जितना नेगेटिव सोशल चेंज आएगा उतना जो है सोशल मूवमेंट्स आने का वो है आस्पेक्ट है, और जितनी ज़्यादा सोशल मूवमेंट्स आएंगी उतना ज़्यादा कलेक्टिव बिहेवियर होगा, और जितना कलेक्टिव बिहेवियर होगा ज़्यादा माशरे में, माशरा जो है अनस्टेबल रहेगा और माशरा जो है सही नहीं रहेगा। कराची इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल नज़र आती है। जब सॉरी टू से अगर कोई इस पार्टी से तल वक्ता है, लेकिन मेरे सामने जो है इसकी बड़ी एग्जाम्पल है कराची में रहते हुए, क्योंकि मैंने ये इसको भुगता है आपकी तरह, हम सब ने भुगता है, कराची वालों ने भुगता है। MQM का जब स्टार्ट हुआ था 1980s में, बहुत पॉजिटिव रोल था 80s में, क्योंकि MQM का जो लीडर था वो खुद कराची यूनिवर्सिटी का था, उसने मास्टर्स किया हुआ था केमिस्ट्री में, और उसने यहीं से लॉबिंग की थी, और यहीं से एक स्टूडेंट का एक अच्छा सा उर्दू स्पीकिंग महाजर कौमी मूवमेंट के नाम से उसने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। उसकी पॉलिसी भी अच्छी थी कि भाई हमारे राइट्स के लिए हम उठेंगे, और बहुत अच्छी सोशल मूवमेंट उस वक्त चली थी। लेकिन कहीं रास्ते में वो सोशल मूवमेंट अच्छी होते होते क्या हो गई कि जिस कोई किसी के भी वेस्टेड इंटरेस्ट हो, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, मैंने अपने बताया था कि कोई किसी के मफादात होते हैं, वो कुछ खास मफादात हासिल करने के लिए लोगों को गलत इस्तेमाल करते हैं। अब हो सकता है कि जो है वो इनको गलत तरह से इस्तेमाल किया गया हो, या किसी के बहकावे में आ गए हों, या हम नहीं समझते, हो सकता है कि वो उनके अंदर वो जरासीम पहले से मौजूद हो। लेकिन हमें नज़र आता है कि क्लैशनकोफ कल्चर जो था वो इसी मूवमेंट में शुरू हुआ, और लोग जो हैं क्लैशनकोफ लेकर, उन्हीं के बच्चे जो हैं, उस ज़माने में क्लैशनकोफ बहुत एक्सपेंसिव थी, और इतना ज़्यादा फंडिंग एक शख्स के पास कैसे आ सकती है ये सोचने की बात थी। खैर आज तो आपको जो है, अब तो दुनिया को सबको पता चल गया है कि कौन उनको फंड कर रहा था, रा फंड कर रहा था, इंडिया फंड कर रहा था, और कौन कौन फंड कर रहा था, इसमें सारी एजेंसीज के नाम शामिल हैं, आपको पता है। अब इसके अंदर आप देखें कि स्टार्ट तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही नेगेटिव होना शुरू हुई तो उसके बेस पर क्या हुआ, सोशल मूवमेंट्स चली, इसी के अंदर दो पहले ब्रेकअप हुए, फिर तीन ब्रेकअप हुए, चार ब्रेकअप हुए, पांच ब्रेकअप हुए, लंदन अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, तो मुझे तो नाम भी याद नहीं है उनके कौन कौन से हैं, लेकिन कौन कौन सबके लीडर्स हैं, लेकिन ये जब सब अलग अलग हुए हैं, इससे पहले ही जो आप देखें तो अनरेस्ट आ गया था, और आप देखें पूरा कराची बंद करा दिया जाता था, फायरिंग शुरू हो जाती थी, लोगों को इनसिक्योरिटीज होती थी इतनी कि आज भी आज तक रेंजर्स जो हैं वो हक पे आपको नजर आती हैं कराची में कंट्रोल करते हुए, क्योंकि कराची बिल्कुल है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो जब नेगेटिव कंट्रोल होता है तो फिर हुकूमत को भी जो है मूवमेंट चलानी पड़ती है, फौज को इंटरफेयर करना पड़ता है लोकल मामलात में, और ये नेगेटिव चेंज की वजह से क्या हुआ, आपको सोशल मूवमेंट भी मिली, आपको जो है सोशल चेंज जो है नेगेटिव नजर आया, तो आपको जो है कलेक्टिव बिहेवियर भी नजर आया। कलेक्टिव बिहेवियर में दंगा फसादात, राइट्स, याद है मैंने बताया था राइट्स नजर आए, आपको पैनिक नजर आया, आपको र्यूमर्स नजर आए, मास हिस्टीरिया नजर आया, बाज़ औक़ात पूरा कराची एक सेकंड में बंद हो जाता था, सन्नाटा हो जाता था, लोग इतने थरथर कांपते थे, मास हिस्टीरिया नजर आया, लोगों के अंदर जो अनरेस्ट की फीलिंग है आपको नजर आई, माइग्रेशन नजर आया, लोग कराची छोड़ छोड़ के भाग के चले गए, तो मास माइग्रेशन भी नजर आता है उस आवाज़ से। फिर सेकेंड जो करेक्टरिस्टिक देखी जाती है, रेट ऑफ चेंज, कि जो चेंज आया था आ रहा है वो स्लो है, मॉडरेट है या फास्ट है, और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो रेट ऑफ चेंज देखना है आपने कि ये फास्ट आ रहा है, बहुत अब तो जो है बहुत फास्ट है ना, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से जल्दी जल्दी मूवमेंट जो है जल्दी जल्दी हो रही है। पहले क्या होता था, सोशल मीडिया इतना फास्ट काम नहीं करता था, और नहीं था सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था, तो लोगों को न्यूज़ बहुत देर देर से पहुँचती थी, इसकी वजह से जो है जो भी रिएक्शन होता था वो स्लो होता था। अब जो है रेट ऑफ चेंज जो है वो बहुत फास्ट होता है, बाज ऐसे होते हैं आस्पेक्ट जिसपे स्लो भी होता है, मॉडरेट भी होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट शामिल हो जाती है तो आपको पता है फिर अपोजिशन जो है उसको स्लो आराम से कर देती है। फिर सोर्सेज क्या है, दो तरह के सोर्सेज कहा जाते हैं, एक होते हैं सोसाइटी के अंदर से जो एंडोजीनियस सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं एक्सोजीनियस जो सोसाइटी से बाहर के होते हैं, जैसे इंटरनेशनल सिनेरियो आपकी बात करते हैं, और एक नेशनल सिनेरियो है। नेशनल सिनेरियो में हमारी एथनिसिटी, हम लोग जो है सूबों में बटे हुए हैं, हम लोग उसके कॉन्फ्लिक्ट्स बटे हुए हैं, और एक्सटर्नल जो पावर है उसमें आपका समझिए फॉर एग्जांपल अमेरिका का हमारे ऊपर रोल, हमारे पर दबाव, सऊदी अरब का हमारे ऊपर दबाव, चाहे डायरेक्ट दबाव हो, चाहे इसराइल ने दबाव डाला हो सऊदी अरब को, इसराइल ने दबाव डाला हो अमेरिका को, और हम पे दबाव, फिर
ऐसी इस तरह के जो दबाव हैं आपको नजर आते हैं वो फिर अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका हमें दबाता है, ईरान की वजह से दबा सकता है, चाइना की तरफ से है, हो सकता है। तो आप सोचिए कि हम ऐसे इलाके में हैं कि जहाँ पर जो आउटसाइड ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस है वो भी इतनी ज़्यादा है। तो एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस सोर्सेज आपको दोनों नज़र आते हैं। कंट्रोलेबिलिटी की बात आ रही है कि ये चेंज है, इसकी चेंज को क्या कंट्रोल किया जा सकता है, उसको प्लान करके थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव वे में लाया जा सकता है, क्या हम इसी सोशल चेंज में को इस्तेमाल करते हुए रेसिसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि लिसानियत और एक दूसरे के डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अजबियत को ख़त्म कर सकते हैं। अजबियत को ख़त्म करना यानी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक नेगेटिव एटीट्यूड रखना एक दूसरे के खिलाफ, नेगेटिव एक्शन करना एक दूसरे के खिलाफ, वो कर हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हमारे माशरे में कि नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है और ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो अब सोर्सेज क्या हैं, ये चेंज आया कैसे, कभी फास्ट हो इतना फास्ट चेंज कैसे आया, इतना स्लो चेंज आया तो कैसे आया, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी है। डिस्कवरी का मतलब है कोई नई चीज़ दरियाफ्त होना। और ये डिस्कवरी क्या हुआ कि डिस्कवरी की जब हमारे पास कोई इन्वेंशन नहीं थी, हम लोग ओल्ड स्टोन एज में रहते थे, यानी कि जब लोग गारों में रहते थे, केव्स में रहते थे, तब की हम बात कर रहे हैं। तो जब डिस्कवरीज होना शुरू हुई थी तो आग की डिस्कवरी जो है वो सबसे बड़ी डिस्कवरी थी जिससे इंसान चेंज हुआ। लेकिन लाखों करोड़ों साल के बाद ये चेंज नज़र आता है आपको, ठीक है, बहुत टाइम लगा है इस चेंज को आने में। तो डिस्कवरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आपको नज़र आता है कि जब तक लोग जो हैं अपनी आसपास की इन्वायरमेंट को समझ नहीं लेंगे, पता नहीं चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं और किस हम अपनी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल करके आसान कर सकते हैं, तब तक इंसान का इंसान के अंदर तब्दीली या इंसान के अंदर तगैयर आना शुरू नहीं हुआ था, माशरे में तगैयर नहीं आया था। तो माशरे में तगैयर क्यों आया कि इंसान ने जो है अपने आसपास के माहौल में जो है वो चीज़ें तलाश करना शुरू कर दी अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए, जिसमें वेदर से लड़ना, बड़े बड़े जानवरों से लड़ना, अपनी जो मेन इनका मकसद था जिंदा रहना, रोटी, तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी ये डिस्कवरी जब जो होती। लेकिन आज आप देखें कि हमने इतने इंस्ट्रूमेंट्स, इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है कि हम डिस्कवरीज भी फास्ट कर रहे हैं चीज़ों की। फिर सेकेंड आता है इन्वेंशन है। इन्वेंशन जो है, जो मैंने अभी हमने कल्चर के उसमें भी डिस्कस किया था कि नई चीज़ें बनाना, नई चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं वो डिस्कवरी को देखते हुए बनाई है। जैसे हम ग्राहम बेल ने जो है वो बनाया था, मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि ग्राहम बेल ने जब फ़ोन ईजाद किया था तो बेसिकली डिस्कवरी थी साउंड वेव्स की। साउंड वेव्स की डिस्कवरी नहीं होती तो ग्राहम बेल कभी भी ये ईजाद ना करता, ना थॉमस एडिसन के पास ये ना पता होता उसको जो थॉमस जेफरसन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो मौजूद है, आसमान से उतर रही है, गिर रही है, उसको कैप्चर करो, बल्ब में डालो, कैसे डालोगे, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, कुदरती तौर पर होती है, देखो लाइट आ रही है ज़मीन पर, उसको कैप्चर करो, कैसे कैप्चर करोगे। तो उसने थॉमसन एडिसन को पता था कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी होती है एयर में, तो वो कैसे उसको कैप्चर करना है, वो उसको कैसे पता, उसको वरना पता ही नहीं चलता। अगर एक डिस्कवरी जो है लॉ, न्यूटन का लॉ से ले लें, ग्रेविटी का लॉ, EMC² मैंने डिस्कस किया था, ये सारे जो हैं व्हील की इन्वेंशन जो है वो आई तो चीज़ें मौजूद थी, नज़र आती थी कि किस तरह से चीज़ें हैं। वही इन्वेंशन जो है वो आपको जो है वो ज़िंदगी आसान की। सितारों को देखना, देखते थे टाइम के लिए, फिर टाइम को बनाना, वॉच बनाना, क्लॉक बनाना, ये इंसान की सबसे बड़ी काविश है, सबसे बड़ी इन्वेंशन है क्लॉक की, कि इंसान ने जो है वो टाइम को कैप्चर कर लिया और उसको कैप्चर करके जो है वो कैलेंडर्स बना लिया और कैलेंडर्स बनाकर अपने आप को एक ऑर्गेनाइज शक्ल में लेकर आ गए। तो इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को मिलाकर, और दो इन्वेंशंस और दो डिस्कवरीज, एक इन्वेंशन एक डिस्कवरी या दो इन्वेंशन को मिलाकर एक इनोवेशन की जाती है, जिद्दत होती है, वो मॉडिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन है। जैसे टेलीविजन आप देख लें तो आज जो LED है ये कॉम्बिनेशन है, ये इनोवेशन है, इन्वेंशन नहीं है। टेलीविजन इन्वेंशन नहीं है, ना ही ये लैपटॉप इन्वेंशन है, ठीक है, मल्टीमीडिया इन्वेंशन नहीं है, ये सब इनोवेशंस हैं। क्यों? क्योंकि कैमरा जो था इन्वेंशन था, स्टिल फोटोग्राफी इन्वेंशन था, और मूविंग पिक्चर्स, जो साइलेंट मूविंग पिक्चर्स थी वो इन्वेंशन थी। जो साइलेंट मूवी पिक्चर्स जो हैं वो ये कैमरा के उसमें से आई, और साउंड वेव्स जो हैं ग्राहम बेल की
जो है कैप्चर करने की, वो वहाँ से वो इन्वेंशन, वो डिस्कवरी और इन्वेंशन दोनों मिली और इन सबको कंबाइन किया गया। रेडियो पहले बना था, फिर इन सबको कंबाइन कर गया, कर दिया गया, तो फिर टेलीविजन बना। और आज जो आपको नजर आता है टेलीविजन, पहले विद केबल बना, फिर विदाउट केबल हुआ, और अब वायरलेस की बात आती है। तो इसी तरह मैंने आपको पहले फ़ोन की एग्जांपल दी थी। फिर हम लोग सोशल चेंज की जब बात करते हैं तो इसके अंदर हम कॉन्फ्लिक्ट्स की भी बात करते हैं कि दुनिया में जो सबसे बड़े सोशल चेंज जो आया है वो कॉन्फ्लिक्ट्स आया। दो जैसे 1965 और 71 के कॉन्फ्लिक्ट्स देखें, 1947 से पहले मुगलों के दौर से लेकर 1947 तक के दरमियान जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं हमारे ब्रिटिश के साथ, मुसलमानों के, हिंदूज के, सिखों के, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं जिसकी वजह से जो है वो सार्क बना है, जिसकी वजह से हम सात ममालिक आज़ाद हुए हैं उनसे। इसी तरह जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सोवियत यूनियन रशिया बन गया, उसमें से 11 स्टेट निकल गए। तो कॉन्फ्लिक्ट हुए तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है वो आपको नज़र आया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी अलग अलग हो गया। तो बाज़ औक़ात फिर बाद में मिल गए, लेकिन आज तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया साथ नहीं मिल सके, वो दोनों अलग अलग हो गए। तो कोरिया नॉर्थ और साउथ जो है, इसका मतलब है कि अभी भी उनके दरमियान झगड़े चल रहे हैं, जबकि जर्मनी ने अपने उन कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिवर्स करके बहुत बड़ा सोशल चेंज लेकर आए और इन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया और एक दूसरे के साथ अब रह रहे हैं और वन ऑफ द गुड कंट्रीज कहलाता है, डेवलप कंट्रीज कहलाता है, जहाँ पर रहना जो है वो माइग्रेशन जो सीरिया के माइग्रेशन से पहले जो है वो रहना वहाँ पर जो है वो हैप्पीएस्ट कंट्री कहलाता था जर्मनी, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री, आज न्यूजीलैंड हो गया है। फिर दूसरा है वैल्यूज एंड बिलीव्स। वैल्यूज और बिलीव जो है हमारे, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो सबकी चेंज है। हम लोग अपने मज़हब से आइडियोलॉजी लेते हैं, जिनका कोई मज़हब नहीं होता वो मज़हब के बगैर अपनी पर्सनल उनकी आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। आइडियोलॉजी सिस्टम है, बिलीफ का नाम है, आइडियाज़ का नाम है जो आप ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आइडियाज़ आपके रिलीजन के हो सकते हैं, ये आइडियाज़ आपके पॉलिटिकल हो सकते हैं, ये आपके अखलाकियात के हो सकते हैं, आपके कमाने के हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम बैंक में जो है वो पैसा इसलिए नहीं रखते कि वो सूद का काम करती है। तो ये आपकी खुद की फिलॉसफी है, अपना आपका खुद का आइडिया है, अपनी वैल्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जो है आज भी बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तान में जो है लॉकर्स और बैंक्स को इस्तेमाल नहीं करते, और जब चोरियां होती है तो कहते हैं घर से इतना पैसा जो है वो लूट लिया गया। तो फिर लूटा कैसे गया भाई, सोना भी इतना घर में क्यों रखा था? क्योंकि वो बिलीव नहीं करते, उनका बिलीफ सिस्टम जो है अभी भी बैंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर हो या सिंपल बैंकिंग के नाम पर हो। तो वैल्यूज़ और बिलीव्स अभी भी चेंज नहीं हुए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप वैल्यूज़ और बिलीफ्स की बात करें तो दुनिया ने जो है वो अपने आप को जो है इन्वेंशंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो आती गई उसके साथ अपने आप को चेंज करते गए। हमने कहा था ना, एक हमने कल्चर में दो पढ़े थे, कल्चर की टाइप्स, एक थी मटेरियल कल्चर, एक था नॉन मटेरियल कल्चर। तो वैल्यूज़ एंड बिलीव्स आता है नॉन मटेरियल कल्चर में, और नीचे जो टेक्नोलॉजी है ये आता है मटेरियल कल्चर में। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो किसी किस्म की भी हो, आपके इन्वायरमेंट से आपने अडेप्ट किया और आज आप देखें आप हवाओं में उड़ रहे हैं, ज़मीन के ऊपर चलना फास्ट जा रहे हैं, समंदर के ऊपर सिर्फ नहीं है बल्कि समंदर के अंदर भी हैं, यानी सबमरीन्स बना ली आपने, बड़े बड़े जहाज बना लिए आपने, जो है कॉनकॉर्ड बना लिया यानी कि हवाई जहाज बहुत बड़े बड़े बना लिए, विदाउट स्टॉप के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए बना लिए। तो आपने जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और हम आगे बढ़ गए टेक्नोलॉजी में, और बहुत सारी दुनिया के डेवलप कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने साथ अपने बिलीव्स को भी चेंज किया, अपनी वैल्यूज़ में भी थोड़ा सा चेंज लेकर आए, और उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी मतलब कल्चर वाली क्लास में बताया था कि यही टेक्नोलॉजी जो है, जैसे टेलीविजन की टेक्नोलॉजी है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। जैसे हमारे उलमा हैं जो मुफ्ती साहबान हैं, वो एक ज़माना था जब PTV सिर्फ अकेला था और अभी चैनल्स नहीं आए थे और बाद में चैनल्स आने थे, उन्होंने कहा ये शैतान है और ये शैतान को उससे दूर रहना चाहिए और इसके अंदर जो भी आएगा और जो देखेगा TV वो हराम है, TV देखना हराम है, ये फतवा था। लेकिन आज आप देखें ये चैनल्स के आने के बाद मजहबी चैनल्स शुरू हो गए उस और वो जो कहने वाले लोग थे उन्होंने अपने खुद की वैल्यूज़ और बिलीव्स खुद भी चेंज करने पड़े उनको। उनको पता चला कि हमको ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम दुनिया को इसके ज़रिए से अपना पॉजिटिव, अपने मज़हब का पॉजिटिव मैसेज दे सकें। लेकिन आपको पता है कि इसी टेक्नोलॉजी को नेगेटिव तौर पर अलकायदा ISIS ने भी
इस्तेमाल किया, अमेरिका ने भी इस्तेमाल किया और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने नेगेटिव प्रोपागेंडास भी किए, बहुत सारे ने पॉजिटिव प्रोपागेंडा भी इसी से करते हैं। फेसबुक भी बहुत इस्तेमाल होता है, फेसबुक इंस्टाग्राम फेसबुक स्पेशली इस नेगेटिव प्रोपागेंडा के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको फेसबुक वाले कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन आपको पता है कि ऐसा होता नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ चलती हैं, फिर बंदी की जाती है, पाकिस्तान के खिलाफ चली थी तो आपको शायद याद हो कि एक महीने के लिए दो महीने के लिए मेरे ख्याल से यूट्यूब को बंद कर दिया गया था और फेसबुक बंद हो गया था। इस तरह की चीज़ें बंद करते हैं अगर हुकूमत को लगता है कि हमारी वैल्यूज़ के और बिलीफ के खिलाफ चल रही है, तो टेक्नोलॉजी फिर कुछ फ़ायदा नहीं देती हमें। तो मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। फिर आता है डिफ्यूजन। देखिए हमारा जो डिफ्यूजन का सबसे बड़ा आस्पेक्ट ये है कि डिफ्यूजन का मतलब ये है कि एक सोसाइटी का कल्चर और दूसरी सोसाइटी का कल्चर मर्ज हो जाना, यानी एक ग्रुप का कल्चर दूसरी ग्रुप का कल्चर जो है वो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से चीज़ें ले लें और दूसरा ग्रुप पहले ग्रुप से चीज़ें ले लें और दोनों जो हैं उसके बिलीव्स ले लें, उनकी वैल्यूज़ ले लें, उनके आइडियाज़ ले लें, उनकी टेक्नोलॉजी ले लें और ये एक दूसरे के ट्रेड्स जो हों जब आएँ तो ये लोग जो हैं वो पता ही ना चले आपको कि आपको लगे सब एक ही लोग रहते हैं। जैसे कराची का मेन एग्जाम्पल है, कराची एग्जाम्पल जो है कॉस्मोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसके अंदर आपको हर लैंग्वेज और हर एथनिसिटी और हर मज़हब के लोग नज़र आएंगे और इस तरह एक ही तरह से रह रहे हैं, एक ही साथ मिलकर रह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो हैं वो अलग कम्युनिटी के, ठीक। लेकिन इसके मुकाबले में आप पंजाब और इंटीरियर सिंध से आप कराची की बॉर्डर से बाहर निकल जाएं बलूचिस्तान, तो वहाँ आपको एक ख़ास किस्म के लोग नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको डिफ्यूजन नज़र नहीं आएगा। पिशावर आप कोयटा और पिशावर चले जाएं खाली, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। आपको लाहौर और आप पिशावर चले जाएँ, बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन कराची वाहिद ऐसा है जहाँ पर, खैर फ़र्क तो लाहौर वालों को यहाँ नज़र आएगा, लेकिन कराची वाहिद ऐसा है जो लाहौरियंस कोयटा के रहने वाले, पेशावर के रहने वाले या किसी भी इलाके के रहने वालों को उसने अपने अंदर ले लिया है और उनकी ट्रेड्स भी आपस में उनके एक दूसरे की ट्रेड्स उन्होंने जो है अपना ली हैं और अब ये कल्चर डिफ्यूजन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और ये प्रोसेस जो है कल्चर ट्रेड्स को लेने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन कराची जो है उस नेचुरल की एग्जाम्पल उसने बहुत अच्छी ली। बाज़ों का हमने तुर्की कल्चर से बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं हम आजकल, इंडियन कल्चर से बहुत सारी चीज़ें हमने ली फिल्मों के ज़रिए, हॉलीवुड से ली, वेस्टर्न कल्चर से ली, तो डिफ्यूजन में आपको जो है वो नज़र आती हैं कि हमने दुनिया से भी मुख्तलिफ सोसाइटी से भी ये ली हैं। ये पॉपुलेशन का इम्पेक्ट पड़ता है, दुनिया में जब पॉपुलेशन कम थी तो हालात चेंज बहुत स्लो था, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दुनिया में 7 बिलियन से अबव हो गई, वैसे वैसे आप देखें कि सोशल चेंज भी फास्ट होता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में जो है आबादी जो है 214 मिलियन पीपल रहते हैं, यानी 21 से 22, अभी 22 पर तो नहीं हम गए लेकिन 21 से अबव हो चुके हैं हम लोग, 21 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हमारी है और हम जो है ज़मीन नहीं बढ़ रही, हमारी आबादी बढ़ रही है, इसीलिए हमारी जो सोशल चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव सोशल चेंज भी नज़र आ रहा है, जिसमें हमारे पास ना एजुकेशन में चेंज आ रहा है, ना हेल्थ में चेंज नज़र आ रहा है आपको, ना इकोनॉमिक आस्पेक्ट में ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। जो भी हुकूमत आ रही है अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश करती है, अपनी तरफ से रिश्वत तो लेती ही है लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करती है कि अपनी तरफ से वो कुछ बेहतर कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो कर्ज़ों में डूबी क्यों रहती है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लोड होती जा रही है। जिसके मुकाबले में आप न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन को देखें, जापान की पॉपुलेशन देखें, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को नॉर्मल रखा है, नीचे रखा, लेकिन अब उनको खुमजियाजा भुगतना पड़ रहा है स्वीडन को और जापान को, क्योंकि इतनी कम पॉपुलेशन हो गई है कि इनके रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं। इसके मुकाबले में आप देखें चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं। हम लोग का सर्वाइवल जो है वो इसी में है कि हम पॉपुलेशन की जो तब्दीली हो रही है उसी के साथ साथ अपनी तब्दीली करें, वरना हमारे यहाँ जो कलेक्टिव बिहेवियर होगा वो और बढ़ जाएगा, सोशल चेंज जो है इसका रेट ऑफ चेंज डायरेक्शन ऑफ चेंज नेगेटिव हो जाएगी और जो है सोशल मूवमेंट्स में भी और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आता है सोशल चेंज सोर्सेज में फिजिकल इन्वायरमेंट। हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो बहुत काउंट करता है। नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, कुछ इंसानों के हाथ की होती हैं, कुछ ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स में फ्लड का आना पाकिस्तान के लिए हमेशा नुकसानदेह है। इस दफ़ा तो लोकस्ट ने भी जो है अटैक किया और हमारी जो है बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो तबाह हो गई, तबाह कर दी उसने, जिसकी वजह से आप देखें
कि ये नेचुरल है, हमने लोकस हमने पैदा नहीं किया था, ना ये चाइना ने भेजा है ना अमेरिका ने भेजा है, ये हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा अटैक जो है वो लोकस्ट करेगा, हम इसके लिए क्यों तैयार नहीं थे, क्योंकि हम उस वक्त क्वारंटीन में थे और हम सब लोग उस वक्त हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो किसी ने भी उस पर जो है वो ध्यान ना दिया और बहुत लेट हो गया जब ये चीज़ लोकस यहाँ पर आ गया, उसने ज़मीनों को तबाह कर दिया। इसी तरह अर्थक्वेक्स और फ्लड जो हैं वो भी तबाह कर देती हैं हमारी लाइवलीहुड को, लोगों की लाइवलीहुड को तबाह कर देती हैं, ये फिजिकल इन्वायरमेंट की बात आती है। फिर वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट में तो हम जंगों ने तो हमें बहुत तबाह किया, हमें 1965 और 71 की वॉर ने, कारगिल की वॉर ने, और मुसलसल इंडिया के साथ जो टेंशन हमारी है, अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन है, अमेरिका के साथ जो टेंशन है, और फिर हमारा खुद का हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें बार बार फौजी हुकूमतों का आना जो है वो क्या होता है कि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन अपने सैंक्शंस लगा देती है फौजी हुकूमतों पर, तो उसमें हम लोग की जो है वो तरक्की और सोशल चेंज जो है स्लो हो जाता है। मास मीडिया का सबसे बड़ा जो रोल आपको नजर आता है ना इसके अंदर, वो यही रोल है कि वो मीडिया जो है वो वाइटल फैक्टर है इस सोशल चेंज को बताने के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को उसके पॉजिटिव व्यूज दिखाएं, लोगों को उसको नेगेटिव व्यू बताएं, लोगों को आप इसमें क्या क्या दिखाएंगे, रेट ऑफ चेंज दिखाएं क्या हो रहा है, आप उनको डायरेक्शन ऑफ चेंज दिखाएं क्या हो रहा है, उनको वो फैक्टर्स बताएं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टर्स बताएं, आपकी जिम्मेदारी है कि फैक्टर्स बताएं कि ये चेंज जो आ रहा है वो किन वजूहात की बुनियादों पर आ रहा है, ताकि अगर इसके हवाले से कोई कुछ लोग जो हैं हम ही में से चाहते हों कि इस सोशल चेंज को पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएं, तो अभी से लेके जाएं, ना कि बाद में तब्दीली आ जाए इसके बाद फिर आप रोते रहें कि भाई ये क्या हो गया, गलत हो गया। जैसे इंडिया की फिल्मों को आपने यहाँ पर रहने दिया, रिलीज करने दिया, और इतनी ज़्यादा इंडियन फिल्में यहाँ आई कि लोगों की जो है यहाँ पर डिवोर्सेस, एक वक्त ऐसा आया था जी टीवी और स्टार टीवी के प्रोग्राम देखने से यहाँ पर डिवोर्सेस के केसेस बढ़ गए थे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर सास भी कभी बहू थी और फला फला, लेकिन फिर इसके बाद आपने जब बैन किया चैनल्स को, उस वक्त तक लोगों को जो है वो एक मौका मिल गया था, अब लोग जो हैं प्रोग्राम जो हैं वो यूट्यूब पर देख लेते हैं और सैटेलाइट चैनल्स पर सैटेलाइट्स लगा ली हैं और दूसरे अंदाज से वो देख लेते हैं अपने प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं, फिल्में जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, मूवीज डाउनलोड कर लेते हैं, उस पर देख लेते हैं। तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि मीडिया जो है वो जो रैपिड डिफ्यूजन हो रहा है आइडियाज का, उसको जो है वो बताए, इन्वायरमेंट को समझाए, दुनिया की जो चीज़ें आ रही हैं, हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें दुनिया की, इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें इस्तेमाल करें, इनोवेशन, तो उस इन्वेंशन को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं आपने कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर एडवांसमेंट जो है वो चेंज में हमारे यहाँ अभी एग्रीकल्चर एडवांसमेंट नहीं आई, इसी वजह से जो है आपको इसका रिजल्टिंग फैक्टर नज़र आता है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज जो हैं, दुनिया में इंडस्ट्रीज बनती हैं रूरल एरियाज में जहाँ ज़मीनें होती हैं, जहाँ पर काश्त होती है, जैसे जैसे शुगर मिल्स जो है वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर गन्ना लगा हुआ है ताकि आसानी हो। हमारे यहाँ जो है उल्टा चली, गंगा चली, और जहाँ ज़मीनें थी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनने की बजाय फैक्ट्री मालिकान ने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी आसानी के लिए कि उनको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, पानी शहरों में, तो उन्होंने शहरों के अंदर जो है वो फैक्ट्रीज बनाई, जिसका एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि लोगों ने माइग्रेशन शुरू कर दिया और रूरल एरिया से लोग छोड़ के अर्बन एरियाज की तरफ आने लग गए, और जो रिसोर्सेज जो हमारे थे वो रिसोर्सेज जो है रेजिडेंशियल एरिया के होते हैं वो भी उनको उसमें से हिस्सा देने लगे। इसीलिए आपको जो लोड शेडिंग नज़र आती है वो लोड शेडिंग क्यों नज़र आती है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा दिया जा रहा होता है। और अब आप देखें कराची के सिर्फ इंडस्ट्रीज में, पोर्ट कासिम को देखें आप जो है साइट एरिया को देखें, करंगी औरंगी को देखें, तो कितनी कितनी बड़ी बड़ी जो हैं वो पूरी आपको साइट्स नज़र आती हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज की पूरी जो है वो लाइन से इंडस्ट्रीज नज़र आती हैं आपको। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपका हैदराबाद से लोगों का आना जाना, पूरे पाकिस्तान से कराची में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, और यही कोरोना वजह भी हुआ कि कोरोना और कोविड-19 फैलने की वजह भी यही है कि हमारे यहाँ जो है वो इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है रूरल अर्बन का। मॉडर्नाइजेशन एक आस्पेक्ट है इसके अंदर, हम लोग कहते हैं मॉडर्नाइजेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमने एग्रीकल्चर सोसाइटी को छोड़कर इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ आ गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम
पाकिस्तान क्या कह सकता है कि हम एग्रीकल्चर को छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ आ गए? तो नहीं, पाकिस्तान नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी आज भी जो पाकिस्तान जो इज बेसिकली एग्रीकल्चर सोसाइटी, व्हाई? बिकॉज मोर देन 65% ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लिव इन रूरल एरियाज और एंड दे आर स्टिल अटैच टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. तो दे बिलोंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. कुछ लोगों की कुछ फील्ड हैं, कुछ लोग जो है उसी में काश्त करते हैं, कुछ सब लोग उसी से मुंसलिक हैं, ज्यादातर जमीनों से मुंसलिक है, जिसकी वजह से जो है और इसी से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है और बहुत बड़ी क्रॉप, बड़ी बड़ी क्रॉप्स हैं हमारे पास. तो हम प्योरली इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं बन गए. तो हमारा जो है वो स्पेशलाइजेशन पर नहीं है, अभी भी मैनुअल वर्क चलता है. और ये मैनुअल वर्क सिर्फ इस वजह से नहीं चल रहा कि हमारे पास इंडस्ट्रीज तो है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज भी हैं, छोटे पैमाने की इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पर आज भी मशीनों पर भी के अलावा भी हाथों से काम होता है, पैकेजिंग होती है हाथों से. लोग अपने घरों में बैठ के पैकेजिंग करते हैं, अपने घरों में बैठ के चीज़ें भी बनाते हैं. तो स्मॉल और इनफॉर्मल जो हम इसको कहते हैं सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, ये वाला सेक्टर हमारे पास आपको नजर आता है, मौजूद है. तो गवर्नमेंट का जो रोल है, कैरेक्टरिस्टिक एक मॉडर्न सोसाइटी की कही जाती है कि सोसाइटी जो है उसके अंदर गवर्नमेंट का लार्जर रोल होता है और ब्यूरोक्रेसी होती है. लेकिन हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी तो कामयाब हुई नहीं, हमारे यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही ना. तो ब्यूरोक्रेसी जब है ही नहीं हमारे यहाँ, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि एक सिस्टम है जो आइडियल सिस्टम है, मैक्स वेबर ने कहा था, और वो उसके मुताबिक तो हम चल नहीं रहे. हम लोग तो जो है जॉब करते हैं 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, जबकि मैक्स वेबर जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है वो कहती है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर रखना चाहिए और मेरिट के सिस्टम पर रखना चाहिए. मेरिट होनी चाहिए, दूसरा जो है फेयरनेस होना चाहिए. जब फेयरनेस होगी, मेरिट होगा, तो एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी. ना हमारे यहाँ फेयरनेस है ना मेरिट है, इसी वजह से एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी नहीं, इदारे सही काम नहीं कर रहे. तो मॉडर्न सोसाइटी में जो है इदारे काम करने वाले जो इदारे हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंडर में काम करते हैं, और हमारे यहाँ वो ब्यूरोक्रेसी जो ओरिजिनल ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं है. फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो जो इदारे हैं हमारे, वो स्किल और एबिलिटीज, सारी ऑक्यूपेशन स्किल्स और एबिलिटीज पर मबनी है. लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ जो है, इंटर पास लोग जो हैं वो भी आपको, खैर अब तो बीए हो गए, एमएनएस और एमपीएस नज़र आते हैं, लेजिस्लेटर्स जो हैं, लॉ मेकर्स जो हैं, वो आज भी जो है वो जाली डिग्रियों पर बैठे हुए थे. वो तो फिर हुकूमतों ने चेंज किया, लास्ट हुकूमत के उसमें हुआ कि, लेकिन फिर भी लोगों ने बीए किस तरह किया आपको पता है कि किस अंदाज से वो बीए करके आए हैं. तो लॉज एंड सेंक्शंस जो हैं वो बिहेवियर को रेगुलेट करने के बनाए जाते हैं, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आता, लोग फॉलो नहीं करते. अमेरिका जैसे मुल्क में भी लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो हम नहीं कह सकते कि अमेरिका हमको कह दें मॉडर्न सोसाइटी है. कैसे कह दें अमेरिका को मॉडर्न सोसाइटी है जहाँ वहाँ पर इक्वल राइट्स ही नहीं है, जबकि मुल्क जो अमेरिका बना इक्वल राइट्स पर बना था, डेमोक्रेसी पर बना था, फ्रीडम पर बना था, इंडिपेंडेंस पर बना था, उनमें तो अभी है ही नहीं, तो हम उनको भी मॉडर्न सोसाइटी नहीं मानते. तो अर्बनाइजेशन जो है वो जो है आपको नज़र आता है अर्बन सोसाइटीज़, और अर्बन सोसाइटीज़ जो आपको नज़र आती हैं वो इस वजह से नज़र आती हैं कि रूरल एरियाज़ को छोड़ के लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ आ गए, सिटीज़ को में रहने लग गए. कि जब एक दफ़ा सिटीज़ में आ जाता है एक शख्स गांव को छोड़ के, और जब वह सेटल हो जाता है तो अपनी पूरी पूरी फैमिली को ले आता है. इसको हम कहते हैं चेन माइग्रेशन. फिर चेन माइग्रेशन के साथ साथ क्या होता है, ब्रेन ड्रेन हो जाता है. जब पूरी फैमिली आ जाती है तो पीछे ज़मीनें खाली रह जाती हैं, इस वजह से बंजर हो जाती हैं. ये पूरे सिंध का मसला है, ये सिंध के पूरे सिंध में ये सबसे ज़्यादा बड़ा इशू आपको नज़र आता है कि बहुत सारे लोग शहरों में जो आ गए तो पीछे ज़मीनें जो हैं उसके अंदर सेम और थोर हो गया, सेलिनेशन हो गया, जिसकी वजह से अब वो इरीगेशन के काबिल नहीं रही. उसके अंदर बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, पूरे नए सिरे से काम करना पड़ेगा, और इट्स नॉट पॉसिबल टू डू सो. फिर ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात आती है, तो ब्यूरोक्रेटाइजेशन में हम कहते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी में बिजनेस है, गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है. यानी प्राइवेटाइजेशन का एस्पेक्ट ज़्यादा होता है इसके अंदर. लेकिन क्यों होता है? क्योंकि मेरिट पर काम करता है ना प्राइवेट इदारे. लेकिन हमने जो है वो एक गवर्नमेंट का एक ऐसा एक नया ब्यूरोक्रेसी का एक नया एस्पेक्ट बनाया है, जिसके अंदर हमने अपनी सहूलत के लिए जो है वो बहुत सारे काम किए. अब एक शख्स को आप निकाल ही नहीं सकते 60 साल की उम्र तक, और वो इनकॉम्पिटेंट है, वो काम नहीं कर रहा, तो इदारे को वो नुकसान पहुंचा रहा है. और हमारे यहाँ जो है आप अगर देख लें, मेरे पास कितने एग्जांपल्स हैं कि एंटी करप्शन के हेड्स को देख लें, वो सबसे ज़्यादा करप्शन में मुलविस नज़र आते हैं. इनके पर खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा. आज इतने बड़े बड़े सियासतदान जो आपको पकड़े गए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही पकड़े गए ना, आप देखिए उनको कि वो किस तरह पकड़े गए, उनके बारे में क्या क्या नज़र आ रहा है,
कितने कितने बड़े बड़े गबन किए हुए उन्होंने, कितनी कितनी शेल कंपनीज बनाई हुई हैं उनके, पूरी दुनिया में कितने कितने जो है वो प्रॉपर्टीज हैं उनके, दुनिया में इतने करोड़ों डॉलर्स, करोड़ों जो है रुपए सॉरी पाउंड्स जो है वो तो अमेरिका की अमीतनी पॉपुलेशन के पास नहीं है, तो ये पाकिस्तानियों के पास कहाँ से आ गया? तो ये सोचने की बात है कि उन्होंने किसका पैसा इतना खाया कि उनके पास जो है अपने बाप दादाओं का था, आप उनकी हिस्ट्री में चले जाएं तो उनके बाप दादाओं के पास इतना पैसा नहीं था। एक होता है एवोल्यूशनरी सोशल चेंज, आहिस्ते आहिस्ते आता है, स्लो स्लो आता है, जो हमने बताया था रेट ऑफ चेंज में, ये मैंने 3 डेवलपमेंट्स की स्टेजेस हैं वही हमने अभी डिस्कस किया, एग्रीकल्चर था, फिर इंडस्ट्रियल था, और फिर आज जो है हम जो आज की एज है हम उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन की एज है, और ये इंफॉर्मेशन की जो एज का दौर है ये सबसे खतरनाक दौर कहलाता है। ये कुछ थ्योरीज हैं लेकिन मैं आपको आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी आपको पूरा ये आपके ग्रुप पर, ताकि आप जो है इसको अपनी इसके लिए पढ़ लें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये सोशल एवोल्यूशन थ्योरीज आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आपके कोर्स का जो हिस्सा था हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। ये रेवोल्यूशन की चेंज की थ्योरीज है, एक साइक्लिकल थ्योरी चेंज की थ्योरी है, ये देख ले मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। ये है एवोल्यूशनरी सोशल चेंज जिसमें टॉफलर का नाम शामिल है, फिर आता है रेवोल्यूशनरी चेंज जिसके अंदर कार्ल मार्क्स का नाम शामिल है, फिर आता है साइक्लिकल थियरी जिसके अंदर इब्न खल्दून, पॉल कैनेडी इनके नाम आते हैं, फिर एक है इक्विलिब्रियम थियरी जिसमें टालकॉट पार्सन का नाम आता है, सोशियोलॉजिस्ट हैं ये सारे ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट थियरी की बात हम जो है वो करते हैं, और कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि जो आज का सिस्टम चल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम वो कामयाब नहीं है, जब तक मेरा सिस्टम नहीं मानोगे तब तक वो नहीं कहेगा, उसको उन्होंने कहा था कैपिटल सिस्टम को कहा है उन्होंने थीसिस, एंटीथीसिस कहा है सोशलिज्म और सिंथेसिस कहा है कम्युनिज्म। तो इन्होंने इसको जो है इसका मैंने इस पे एक रखा है, आप थोड़ा सा देखना चाहें तो कर लें कि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस और कम्युनिज्म, तो ये इन्होंने कार्ल मार्क्स कहा जब तक कम्युनिज्म नहीं आ जाएगा तब तक दुनिया कामयाब नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कामयाब हुई हो, इनका ईरान सॉरी रशिया और चाइना दोनों जगह पर सोशलिज्म है, अभी तक कम्युनिज्म नहीं आया और उनका कामयाब नहीं हुआ सिस्टम। तो हम यहीं पर जो है वो अपना ख़त्म करेंगे अपना, और यहाँ तक के लिए काफ़ी हमारा, फिर हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू।